शामली जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ जारी है। देर रात कैराना पुलिस की कुरगाना रोड पर बाइक लूटकर भाग रहे दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश शेरदीन उर्फ शेरा प्रकाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथी सोनू को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस के साथ लूटी गई बाइक बरामद की है। पकड़े गए दोनों शातिर बदमाश कैराना निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल दोनों से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं गोली लगने से घायल बदमाश की हालत गंभीर होने के चलते उसे मुजफ्फरनगर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाश लुटेरे हैं, जो बाइक लूटने के बाद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जा रहे थे, जिनको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कैराना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला है? ये शामली के कैराना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बीती रात हमें सूचना मिली थी कि एक बाइक लूटी गई है। इस सूचना पे थाना कैराना की पुलिस के द्वारा सघन घेराबंदी की गई थी। इसी दरमियान कैराना से खुरगान रोड पर बदमाशों के आने की सूचना मिली, उनको पीछा किया गया, पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, आत्मरक्षा और बचाव में पुलिस ने भी बदमाशों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश चिल्ला करके घायल होकर के ज़मीन पर गिर गया। उसको गिरफ्तार किया गया, उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के कब्जे से लूटी गई बाइक बरामद कर ली गई, एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस भी बदमाश के कब्जे से बरामद हुए हैं। बदमाशों से पूछताछ अभी जारी है। बदमाश से ये पता चला है कि इसका नाम शेरुद्दीन उर्फ शेरू ये सामने आया है, जो कैराना का ही रहने वाला है। बाकी इन बदमाशों से डिटेल में पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है।